पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और प्रोफेसर ओक की बैटल आगे बढ़ती है, जहां पर प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को चूज करते हैं, वहीं पर ऐश अपने ग्रिंजा को चूज करता है। ड्रैगनाइट अपने स्पीड का यूज करके ग्रिंजा को काफी इजीली डिफीट कर देता है। फिर ऐश चूज करता है अपने हुपा को, जो कि हुपा अनबाउंड में कन्वर्ट होकर हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का यूज करके लेजेंडरी पोकेमॉन स्पॉन करता है और ड्रैगनाइट को डिफीट कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर ओक का फोर्थ पोकेमॉन एक फ्यूजन पोकेमॉन वीनस्टॉइस होता है। अब आगे वीनस्टॉइस हुपा के समन किए हुए पोकेमॉन्स को डिफीट करते जा रहा था, बट ऐश बोलता है कि हुपा रुको मत और पोकेमॉन स्पॉन करते जाओ, जिसके बाद हुपा पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा को स्पॉन करता है, जो कि वीनस्टॉइस के ऊपर अटैक करते हैं। इस फाइट को हुपा अनबाउंड भी ज्वाइन करता है और वो आइस पंच, शेडो बॉल और साइकिक जैसे अटैक्स का यूज करता है, जिससे वीनस्टॉइस धीरे धीरे कर वीक होते जा रहा था। हुपा अनबाउंड पूरी तरह से वीनस्टॉइस को डोमिनेट कर रहा था और वीनस्टॉइस इसके काउंटर में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्रोफेसर ओक काफी गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। अनाउंसर बोलता है कि प्रोफेसर ओक का न्यू फ्यूजन फेनोमेना बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, क्या प्रोफेसर ओक कमबैक कर पाएंगे। ऑडियंस ने पहली बार प्रोफेसर ओक को मुश्किल में देखा था। वहीं पर दूसरी तरफ रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज करता है, जो कि वीनस्टॉइस पर लग जाता है और वीनस्टॉइस हार जाता है, यानी कि वीनसॉर और ब्लास्टॉइस अलग अलग हो जाते हैं। प्रोफेसर ओक काफी मुश्किल में लग रहे थे, वो अपने वीनस्टॉइस को वापस से पोकेबॉल में लेते हैं और अपना फिफ्थ पोकेबॉल निकालते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अभी तक तुमने मुझे काफी चिटक कर दी है, मैंने तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से आज तक बैटल नहीं करी है और अब ये मेरा असली टेस्ट होने वाला है, देखते हैं कि मैं तुमको डिफीट कर पाता हूँ या फिर नहीं। प्रोफेसर ओक अपना फिफ्थ पोकेबॉल फेंकने वाले होते हैं, पर तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि वो कोई नॉर्मल पोकेबॉल नहीं है, वो सिल्वर और गोल्ड कलर की पोकेबॉल है। सारी ऑडियंस काफी शॉक होती है कि ये कौन से टाइप की पोकेबॉल है। पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसी कोई पोकेबॉल एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ऐश, ब्रॉक और मिस्टी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये जीएस बॉल है। ऐश प्रोफेसर ओक से पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जीएस बॉल है जो कि हमने प्रोफेसर कर्ट को दे दी थी। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हां तुमने सही पहचाना और प्रोफेसर कर्ट ने इसकी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। ये पोकेबॉल अब खुल सकता है, बट मैंने इसके अंदर के पोकेमॉन को आज तक कभी भी यूज नहीं किया है और ना ही मुझे इसको आज तक यूज करने की जरूरत पड़ी है, बट आज मुझे इस पोकेमॉन को यूज करना ही पड़ेगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ये देखने के लिए कि जीएस बॉल के अंदर आखिर कौन सा पोकेमॉन है। ये मिस्ट्री काफी टाइम से सॉल्व नहीं हुई थी। प्रोफेसर ओक अपना जीएस बॉल फेंकते हैं और उसमें से निकलता है मिथिकल पोकेमॉन सेलेवी, एक ग्रास और साइकिक टाइप पोकेमॉन, जिसको देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और सारी ऑडियंस काफी शॉक रह जाती है। फाइनली जीएस बॉल की मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी कि उसके अंदर कोई और पोकेमॉन नहीं बल्कि सेलेवी है। ऐश बोलता है सेलेवी इससे बैटल करने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। हुपा अनबाउंड ने जितने भी पोकेमॉन समन किए थे वो उनको रिंग के अंदर वापस ले लेता है और दोबारा से हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का यूज करता है, जिसमें से और भी कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि एंटे, रायकू और स्वीकून निकलते हैं, जो कि फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं सेलेवी से। साथ में हुपा भी फाइट कर रहा होता है, पर तभी अचानक से सेलेवी गायब हो जाती है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि सेलेवी कहाँ गई, सारे पोकेमॉन्स को समझ में नहीं आता कि किसके ऊपर अटैक करना है। ब्रॉक बोलता है कि सेलेवी के पास पावर है टाइम ट्रैवल करने की और वो कुछ चीजों को चेंज भी कर सकती है। तभी ऐश नोटिस करता है कि उसका हुपा अनबाउंड काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। उसने जितने भी पोकेमॉन समन किए थे वो वापस से रिंग के अंदर वापस आ जाते हैं और हुपा अनबाउंड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि हुपा कन्फाइंड फॉर्म में और सेलेवी नॉर्मल टाइमलाइन में आ जाती है। ब्रॉक बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था, शायद से सेलेवी ने टाइम में पीछे जाकर तुम्हें प्रिजन बॉटल यूज करने से रोक लिया है। ऐश बोलता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने वीनस्टॉइस को करंट टाइम में डिफीट नहीं किया है। ब्रॉक बोलता है कि शायद जो चीज हो चुकी है उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, तुमने वीनस्टॉइस को डिफीट कर दिया है और ये चेंज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम में आएगा। ऐश बोलता है ठीक है और वो अपने प्रेजेंट बॉटल को वापस यूज करने जाता है, पर वो नोटिस करता है कि उसके पास प्रेजेंट बॉटल है ही नहीं। सेलेवी हंसना स्टार्ट कर देती है। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता, बट वो डिसाइड करता है कि अब वो हुपा कन्फाइंड के साथ ही बैटल करेगा। हुपा डार्क पल्स अटैक का यूज करता है, जो कि सेलेवी पर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इसके काउंटर में सेलेवी यूज कर दिया गीगा ड्रेन अटैक का, जिससे हुपा को डैमेज पड़ता है। साथ में सेलेवी अपनी थोड़ी एचपी भी रिकवर कर लेती है। फिर वो यूज करती है एनर्जी बॉल अटैक का, जिसको हुपा डॉज करके यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, और ये अटैक भी सेलेवी के ऊपर लग जाता है। प्रोफेसर ओक अपने सेलेवी को लीड सीड अटैक यूज करने बोलते हैं, जो कि हुपा के ऊपर लग जाता है और हुपा कुछ वाइंस के बीच में ट्रैप हो जाता है। अब हर एक टर्न में उसकी कुछ एचपी सेलेवी को मिलती रहेगी। ऐश बोलता है हुपा हार मत मानो और डार्क पल्स अटैक का यूज करो। इस अटैक को सेलेवी डॉज कर लेती है, जिसको सेलेवी डॉज कर लेती है और यूज करती है डैजलिंग ग्लीम अटैक का, जो कि हुपा पर लग जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। देखने को मिलता है कि हुपा नीचे गिरा हुआ है, बट वो वापस उठ जाता है। वो आगे बैटल करना चाहता था और ऐश को जिताना चाहता था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स में काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है, बट ये जल्द ही हारने वाले हैं। ऐश बोलता है देखते हैं और वो अपने हुपा को गंग शॉट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि सेलेवी के ऊपर लग जाता है और एक एक्सप्लोजन होता है।
है, जिसके बाद देखने को मिलता है कि सेलेबी भी वीक हो चुकी है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो गए थे। इसके बाद सेलेबी यूज करती है फ्यूचर साइड अटैक का और गायब हो जाती है। हुपा काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करना है। ऐश बोलता है कि लगता है फिर से सेलेबी ने टाइम ट्रैवल किया है और वो कोई चीज चेंज करने वाली है। तभी सेलेबी वापस आ जाती है और ऐश काफी शॉक हो जाता है कि उनको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला था। प्रोफेसर एक स्माइल देते हैं और एक साथ हुपा के ऊपर काफी सारे अटैक्स लग जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे हुपा हार जाता है। वहाँ पर एक और सेलेबी आ चुकी थी और फिर वो गायब हो जाती है। प्रोफेसर लोग बोलते हैं कि सेलेबी के पास एक ऐसी पावर है कि वो दो डिफरेंट टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट कर सकती है और वो भी एक साथ। ऐश सेलेबी के पावर्स को देखकर काफी इंप्रेस होता है और वो अपने हुपा को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और वो अपने पांचवें पोकेबॉल को निकालकर ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है शाइनी म्यूटू। प्रोफेसर लोग बोलते हैं कि मुझे लगा ही था। तभी ऐश अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और वो अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा शाइनी म्यूटू में, जो कि काफी ज्यादा ऑसम दिख रहा था। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने म्यूटू को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको सेलेबी डॉच कर लेती है। तभी मेगा म्यूटू एक्स के ऊपर पीछे से एक फ्यूचर साइड अटैक लगता है, जो कि सेलेबी ने पहले यूज किया था। मेगा म्यूटू एक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, बट फिर भी वो यूज करता है साइड स्ट्राइक अटैक का। इस बार यह अटैक सेलेबी पर लग जाता है और सेलेबी नीचे गिर जाती है। वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, पर तभी म्यूटू के ऊपर एनर्जी बॉल अटैक लगता है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सेलेबी ने टाइम ट्रैवल नहीं किया था। प्रोफेसर लोग बोलते हैं कि शायद तुम भूल गए हो कि सेलेबी एक साथ दो टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर सकती है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अब तुम्हें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब सेलेबी यूज करती है लीड सीड अटैक का। वहीं पर इसको काउंटर करने के लिए ऐश अपने म्यूटू को साइको कट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो सारे लीड सीड को खत्म